लंदन, अमीरों का शहर। यहाँ रहना बहुतों के लिए जन्नत में रहने के बराबर है, लेकिन हर शहर की तरह इस शहर के भी कुछ कोने ऐसे हैं जहाँ सिर्फ किस्मत के सताए रहते हैं। साउथ हॉल का मेरा छोटा सा घर मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था। दम घुटता था मेरा वहाँ। कुछ भी करके उस कैद से निकलना चाहती थी मैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कैद भी अलग अलग तरह के होते हैं। सोनिया बेटा, एक पराठा तो खा लेना जाने से पहले। माँ, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, मैं कबीर के साथ खा लूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। खाने का नाम लेकर बिना खाना खाए नहीं जाते, अपशकुन होता है। मम प्लीज यार, ऐसी सुपरस्टिशियस बातें मत करो। सोनिया अपना लक खुद बनाती है, सो चिल। ज्योति जी, क्यों बेकार में कोशिश कर रही हो? इस लड़की का ना कुछ होने वाला नहीं है। आई एम सॉरी डैड, लेकिन यहाँ रह के भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम लंदन में होते हुए भी लंदन में नहीं है। ब्लडी साउथ हॉल। अच्छा तो जाओ, जाकर रहो नाइस ब्रिज में। हमारे पास जो कुछ था सब कुछ तुम्हें दे दिया है। एहसान फरामोश औलाद है हमारी ज्योति जी। डैड डोंट स्टार्ट नाउ, मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ। व्हाट द हेल यार, मैं आपको एक्सप्लेन भी क्यों कर रही हूँ। मेरी सारी उम्मीदें कबीर पर टिकी हुई थी। उस दिन उसका ऑडिशन था एक बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ। हाय, कैन आई हैव माय ट्यूलिप्स? एक बार कबीर को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, थैंक यू, बस सब ठीक हो जाएगा। इसी एक होप पे हम दोनों जी रहे थे। लुक एट दैट। व्हाट द हेल, ये कैसे हुआ? वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। I was practicing the whole night and then I got too tired. I left the guitar on the couch and as usual, ये छत लीक कर गई। और सुबह आके देखा तो सारा वुड गला पड़ा था। Damn, अब क्या करेंगे? Nothing. इंतजार नेक्स्ट ईयर का। शायद सपने उन्हीं लोगों के पूरे हो। No way, कबीर, ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है। जब तक तुम मशहूर नहीं होगे, हम यहाँ से आजाद नहीं हो पाएंगे। हम इस साउथ हॉल के कैद में फंसे रहेंगे। Do you think I like it here? तुमसे ज्यादा इस जगह से मुझे नफरत है, पर we don't have another option. Baby, you don't worry. तुम अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, ओके? सोनिया, वो भी सुबह सुबह? या तो आज कोई कांड हो चुका है या कोई कांड होने वाला है। मुंह बंद कर यार, वरना तेरा ही कांड कर दूंगी। अच्छा मेरी माँ, जल्दी बता गर्ल की है, रेस्टोरेंट भी खोलना है यार, वेल्डा नहीं है पब्बी। पब्बी, मुझे 500 पाउंड्स चाहिए अर्जेंटली, साड़ी मदद कर दे। 500 क्विड? अगर मेरी जेब में होते तो मैं ढाबे पर नौकरी कर रहा होता। देख पब्बी, इस वक्त तू ही मेरी मदद कर सकता है, आई एम डेस्परेट। एक रास्ता है। नहीं पब्बी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। यार तुम शरीफ लोगों के चोंचले ही अजीब होते हैं। डेस्परेट भी नहीं रहना, ऐसा वैसा काम भी नहीं करना, पर ऐसे वैसे काम के पैसे ले लेने, मतलब खतरा सारा पब्बी ले और तू मैश करो। दोस्ती का वास्ता दिया है तो ये ऑफर है, आसान सा काम है, पैकेज डिलीवर करके आ और पैसे ले जा। I'm sorry, मैं ये नहीं कर सकती। दीवारों में दम भी घुटता है और दरवाजा भी नहीं खोलना, अजीब है यार। ओके फाइन, बट जस्ट वन टाइम। रुक, मैं पैकेट लेके आता। पैकेज। कम इन। नो नो, आई वुड रादर स्टे हियर। माय मनी सेक, आई एम नॉट गोना हैंड ओवर दैट सॉर्ट ऑफ मनी ऑन द डोरस्टेप। एनीवे, आई नीड टू इंस्पेक्ट द मर्चेंडाइज, सो ईदर कम इन ऑर टेक द पैकेज एंड गो। आई विल कम। ऑफिसर स्मिथ, हू इज दिस? यू हैव बीन आस्किंग अराउंड फॉर एन इंडियन ड्रग रनर। वेल, आई ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन एट माय रेस्टोरेंट।
Ladies, follow me. You all have your assignment work for this week. Make yourself useful and productive. The only way of getting out of here early is to make yourself productive to a society that believes that you are completely useless. Sonia, you have a that is of very little use over here in the next 14 years. Shonda wants to make you her first and her best. You will be a queen. What have you got to lose? Looks like we need to teach this Indian some prison rules. Be fine. When you came in, there was blood everywhere. But the doctors have done a good job. I'm in no hurry. I've nowhere to go. But I have something that'll put you in a better mood. I've got someone here to see you. I think you're going to want to see him. Better than any medicine. Red tulips. Thank you. My expert girlfriend says that red is for everlasting love. Tulips ke mamle mein expert hai wo. Phir to yellow lana chahiye tha. Meri situation ko suit karta. Because yellow is for hopeless love. Mere Wafa ne abhi ummeed chhodi nahi hai. Tumhe bhi itni jaldi haar nahi mani chahiye. Is tarah ummeed chhod dogi to halaat se lad nahi paogi. उम्मीद जिसे 14 साल की कैद मिली हो वो उम्मीद कैसे रख सकता है तुम जानती हो ना हम जल्दी रिहाई की अपील कर सकते हैं काश मैं तुम्हारी ऑप्टिमिज्म शेयर कर सकती खैर ये सब छोड़ो घर की खबर बताओ माँ पापा अभी मुझसे नाराज हैं एक बार भी मिलने नहीं आए उन्होंने तुम्हें माफ तो कर दिया है पर तुम्हारे साथ रिश्ता रखना तुम्हारी बहनों की जिंदगी पर असर कर सकता है उनकी शादियां करनी है और अगर एक बहन जेल में हो तो बदनामी के छींटे दूसरी बहनों पर भी पड़ते हैं सही तो कह रहे हैं मैंने उनके बारे में नहीं सोचा तो वो मेरे बारे में क्यों सोचे मेरी जिंदगी थी मैंने अपनी शर्तों से जीनी चाही अब तक तीर इस मोड़ पे ले आई तो किसी का कसूर नहीं है किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी भी नहीं तुम क्यों खामखा मेरा इंतजार करो पागल हो गई हो क्या चले जाओ कबीर
इससे पहले कि मेरी बदनसीबी के साए तुम्हारी जिंदगी में भी अंधेरा कर दे। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो सोनिया, तुम्हारे रहते अंधेरा कैसे हो सकता है? बेवकूफी मत करो कबीर, रोशनी के इंतजार में 14 साल अंधेरे में गुजारोगे क्या? मेरी जिंदगी रुकी है तो अपनी क्यों रोक रहे हो? मैं और तुम हमेशा साउथ हॉल की जेल से बाहर निकलना चाहते थे। मैं नहीं निकली तो क्या, तुम तो निकल सकते हो ना? क्यों कैद में रहना चाहते हो मेरे साथ? तुम्हें मेरी कसम है कबीर, तुम आज के बाद मुझे यहां मिलने नहीं आओगे। चले जाओ यहां से। तुम चाहे कुछ। Been more than 10 minutes, buddy. Your time's up, I'm afraid. Operation Theatre. Why am I brought here? The labs are closed at this hour. We thought we'd bring the air portable X-ray machine to you. Don't worry, doctor will be here soon. Hello? Hello? Shonda ne bheja hai na tumhe? Marna chahti hai to samne aakar war kare. Jis din marna hoga, permission liye bagair hi maar denge. Filhal maut se bachane aayi hoon tumhe. जिंदगियों का सौदा करती हूं, नाम काया है। तुम लॉयर हो? कबीर ने तुम्हें यहां भेजा है। शट अप एंड लिसन। मेरी कंपनी अमीर क्लाइंट्स को एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करती है। आई ट्रेड इन सीक्रेट्स, आज की दुनिया का नया हथियार। आजकल कोई किसी पर खुलेआम वार नहीं करता। अगर किसी को खत्म करना हो तो उसके सारे राज जान लो बस। साम दाम दंड भेद में भेद सबसे पावरफुल होता है, और हम भेद के व्यापारी हैं। ट्रेडर्स ऑफ सीक्रेट्स, गवर्नमेंट्स, पॉलिटिशियंस, मल्टीनेशनल्स, इन सबको कभी ना कभी हमारे सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये राज इतनी आसानी से नहीं मिलते, उन्हें हासिल करना पड़ता है, और ये काम करती है मेरी टीम। हमें हमेशा ऐसी लड़कियों की जरूरत होती है जो हमारा ये काम कर सके। तुम्हारे साथ जो जेल में हुआ उसे तुम अपना इंटरव्यू समझ लो। आई एम हियर टू टेल यू, यू आर हायर्ड। तुमने मुझे हायर तो कर लिया, लेकिन जॉब प्रोफाइल नहीं बताया। मर्दों के बाजार में औरतों के पास बेचने के लिए है ही क्या जिस्म के सिवा? Prostitution. It's an age-old business, girl. We just do it with style. और अगर मैं ऑफर ठुकरा दूं तो? जेल वापस जाओगी तो जिंदा नहीं बचोगी, और अगर बच भी गई तो 14 साल के बाद जिंदगी नहीं बचेगी। What I am offering you is not a job, it's a lifestyle. Think about it. क्या करना होगा? मरना होगा। क्या? सोनिया को दुनिया की नजरों में मरना होगा। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, सबसे नाता तोड़ना होगा। इस पेशे में वीकनेस कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जानलेवा हो सकती है। नो पास्ट, नो कनेक्शंस, नो वीकनेसेस। तुम्हें एक नई जिंदगी, एक नई पहचान दी जाएगी। लेकिन एक बार तुमने हमारी दुनिया में कदम रख दिया तो फिर तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाओगी। इसलिए सोच समझ कर जवाब देना। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। फैसला अगर हमारे साथ रहने का करती हो तो डॉक्टर मर्फी को बुला लेना। साउथ हॉल की कैद से सरकार की कैद में, और अब मेरे पास मौका था इस कैद से निकलकर काया की कैद में बंद होने का। गौर से देखा तो दोनों कैद में कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन हाँ, सोनिया के मरने के बड़े फायदे दिखे।
मेरे माँ पापा और बहनों को शर्म सब सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कबीर मेरा इंतजार करना छोड़ देगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगा। शायद काया के ऑफर को लेने में ही सबकी भलाई थी। No, I don't know. Yes, the police, yes. Okay, thank you, thank you. Shit's hit the fan. Christoph. It's good to see you. And you men, stand down, stand down. What's happening? It's a big operation. Come on, we don't have time. I need you to change. Quickly, we don't have time. Come on, guys, quick, quick, quick. Come on, do it, fast. Come on, quickly. उसी के है ना, जेल से फरार होने की कोशिश कर रही थी, कार खाई में मिली है, एंड देन देयर वाज एन एक्सप्लोजन, दो लाशें मिली हैं, दैट टू कंप्लीटली बर्न्ड। पर वो फरार होने की कोशिश क्यों करेगी? उसका तो कोई दोस्त भी नहीं था, फिर वो किसके साथ भागेगी? ड्रग्स माफिया अक्सर अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी गलतफहमी है, उसका किसी ड्रग माफिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। धोखा किसे कहते हैं? जिस पर आपको पूरा यकीन हो वही आपको दगा दे जाए। वेल, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस बारे में कोई मालूमात है, लेकिन यकीनन असलियत यह है कि आपकी मोहतरमा ड्रग्स के साथ पकड़ी गई, जेल से फरार होने की उन्होंने कोशिश की, और वो भी एक वेल प्लान मिशन को अंजाम देकर। पर मेरा मन अब भी नहीं मानता, और शायद जब तक सोने खुद आके मुझसे ना कहते मैं किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता। Welcome to the facility. इस जगह को अच्छी तरह देख लो। यही वो जगह है जो तुम्हें एक इंसान से एक हथियार बनाएगी, एक ऐसा हथियार जो किसी भी चीज या फिर किसी भी शख्स का बड़ी आसानी से शिकार कर सकता है। पर दूसरों का शिकार करने से पहले तुम्हें खुद को निशाना बनाना होगा, खुद को इतना जख्मी करना होगा कि और कोई तुम्हें जख्मी ना कर सके। टूटे हुए दिलों का यही तो फायदा है, वो फिर से नहीं टूटते। इसे जेल में भुलाई थी तुम, थैंक यू।
हार दो इसे। क्या? इस तस्वीर में सोनिया खन्ना बसी हुई है। अब अगर सोनिया खन्ना को मारकर उसे नया जन्म देना है तो इस सोनिया खन्ना का अंतिम संस्कार तो करना होगा। कम ऑन, नया जन्म लेने के लिए मरना तो जरूरी है। कोई बात नहीं, जिस दिन तुम ये तस्वीर फाड़ दोगी समझ लेना तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। अपने ही अर्थी को अपने कंधों पर उठाना आसान तो नहीं है। जाओ सीड्यूस करो उसे। कम ऑन, गो अहेड। इट्स अ सिंपल टास्क। टेक दिस पैकेज ऑल द वे डाउन। डोंट लेट एनीबॉडी स्टॉप यू। It's not the dog in the fight. It's the fight in the dog. To be the best in this business, पहले खुद की हकीकत को कबूल करना होगा। Repeat after me, Sonia. मेरा काम जिस्म बेचना और राज हासिल करना है, बस और कुछ नहीं। सच्चाई से समझौता नहीं कर पा रही हूं, जिस्म से सौदा कैसे करोगी? सेठ सेठ सेठ। तू चांद है तेरा। तुम्हारी सो कॉल्ड मौत ने कबीर को एक नई जिंदगी दी है। मुझ में ही तो है जलता तू, धड़कन में तो है चलता तू। इस तरह बिछड़े हम आग से जैसे धुआं, तू रूह का मेरी गम है ना, कि तू ही तो करार है मेरा, कि तू ही तो
बॉस्टन पेनिटेंशियरी में कुछ तो गलत हो रहा है। पिछले 8 महीनों में जेल से कैदी लड़कियां गायब हो जाती हैं और उसके बाद उनके साथ ऐसा कोई हादसा होता है कि उनकी लाश शिनाख्त के काबिल भी नहीं रहती। ये देखिए, ये हैं एलिजाबेथ एंड्रयूज। इसे 8 महीने पहले सजा हुई थी, 10 साल की कैद थी। तेरे हाथ में केसेस कम है क्या जो यहां दिमाग लगा रहा है? भाई सुनिए, यह है सुखित याको। इसे उम्र कैद हुई थी। जब ये अपनी अपील हियरिंग के लिए जा रही थी उस वक्त इसके साथ हादसा हुआ और ये पूरी झुलसी हुई पाई गई। और उसके बाद अब ये सोनिया और उसके साथ भी सेम ऐसा ही हादसा हुआ है। मतलब ये एक अजीब इत्तेफाक है। मतलब ये एक से सारे केसेस हैं जिसमें देखा गया है कि जिन लड़कियों को कैद होती है, लंबी कैद, उनके साथ कोई ना कोई हादसा होता है, उनकी मौत होती है, कोई एक्सीडेंट होता है और उसके बाद उनकी लाश शिनाख्त के काबिल भी नहीं रहती। कुछ गड़बड़ है, आई एम श्योर। शोएब, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, इसलिए नसीहत दे रहा हूँ। ये पागलपन छोड़ो, काम पर ध्यान दो। तुम्हारा सस्पेंशन खत्म हो गया होगा, पर डिपार्टमेंट अभी तक नहीं भूला कि कैसे तुम ड्यूटी के वक्त शराब के नशे में प्रो हाउस में पाए गए थे। बस अपने काम पर ध्यान दो और तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। अब ये सब उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। सोनिया खन्ना, कानून के साथ आंख में चोली खेल रही हो। तुम्हारा खेल खत्म होगा एक दिन और वो मैं ही करूंगा। तुम्हारी नई जिंदगी के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। सड़क से ऊंची बिल्डिंग्स देखी थी लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऊंची बिल्डिंग से ऐसे सड़क भी कभी देख पाऊंगी। ये ऊंचाई तो शुरुआत है, अभी तो तुम्हें और ऊंचाइयों को छूना है। खैर, ये सब बातें बाद में, पहले तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेते हैं। मेरा जन्मदिन? हियर, तुम 1995 न्यूकासल में पैदा हुई थी। ये है तुम्हारा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स। तुमने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। फिलहाल तुम एक मॉडल हो जो मैनचेस्टर की विरागो मॉडल एजेंसी के साथ काम करती है। ये है तुम्हारा वर्क अग्रीमेंट और तुम्हारे बैंक अकाउंट्स। अपनी नई जिंदगी को अच्छी तरह से याद कर लो। और मेरा नाम? परी। आज से तुम परी हो। थैंक यू फॉर ऑल दिस। इस घर में शिफ्ट होने से पहले यहाँ के पुराने किराएदार को निकालना होगा। कोई और भी रहता है यहाँ? रहती थी, पर आज उसका आखिरी दिन है। ये मनिका है, इसकी भी जिंदगी तुम्हारी तरह ही थी। इसे भी मैंने जेल से निकाला और एक आलीशान जिंदगी जीने का मौका दिया। तमाम ऐशो आराम के बावजूद भी ये खुश नहीं थी, आजादी चाहती थी, और उसके लिए इसने अपने आप को हमारे दुश्मनों से मिला लिया। अब भी वक्त है, वापस चली जा, ये आजादी बस धोखा है, धोखा। फुली परी, ये है अबू हमजा अलरियादी। अरेबियन गवर्नमेंट के लिए करोड़ों के वेपन्स खरीदने यहाँ आया है। बहुत ही शातिर खिलाड़ी है इस खेल का। ऑफिशियली तो ये हमसे सर्फेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीदने आ रहा है, पर अनऑफिशियली ये रशिया के आंद्रे कोब्रोव से मिलकर आ रहा है। आंद्रे रशिया का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर है। ऐसा होता है हमारे बिजनेस में कि क्लाइंट दो लोगों से कोट मांगता है, फिर डिसाइड करता है कि कौन सी डील उसे सूट करती है, और हम ये डील खोना नहीं चाहते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी डील रशियन डीलर से बेटर हो। एक बात और, उसके साथ फैजल बगदादी जरूर होगा, उससे बचकर रहना, वो बहुत तेज है और खतरा बन सकता है। अबू हमजा प्राइवेट जेट से ग्लासगो जाने वाला है 2 दिनों के लिए। फ्लाइट की रेगुलर एयर होस्टेस अचानक बीमार पड़ने वाली है और तुम उसके रिप्लेसमेंट हो। कल के आर्म्स डील से पहले हमें कैसे भी करके रशियन डील सिक्योर करनी होगी, पर तुम्हें हमजा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी लड़कियां उसकी कमजोरी हैं, वो खुद ही आ जाएगा। परी, मिस्टर हमजा इज एक्सपेक्टिंग यू। I would like to think it is my charm, not the money, that brought you here.
I saw the money. I'm yet to see the charm. I like a woman with a sense of humor. We are going to enjoy this. There's a packet in the guest bedroom. You will know how to use it. Please. There is no greater joy than seeing a pretty girl in your power. This seems to be a false alarm. As you can see, none of the sprinklers have been set off, and so there is no real danger of fire. We are very, very sorry about this. If you would please return to your rooms, try and get some sleep. We'll be right back.
ये तो अच्छा है कि घाव गहरा नहीं है, वरना स्टिचेस लेने पड़ते हैं, और फिर स्टिचेस को छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। आई नो, काश मुझे पहले पता होता कि ये इतना नहीं निकलेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, आजकल के दौर में हकीकत महज एक ख्वाब है, कौन किसे कैसे पहचाने, हर चेहरे पे नकाब है। दिखावे की दुनिया में एक हकीकत तो समझ गई हूं, दिस इज नेवर जस्ट, इट इज अ डील। बहुत उम्मीदें हैं मुझे तुमसे परी, बहुत जल्द तरक्की करोगी तो। खुशी है मुझे कि मेरी ट्रेनिंग कामयाब हुई, मैनेजमेंट तुमसे बहुत खुश होगा, वरना मिस्टर ब्लैक खुद किसी को इनवाइट नहीं करते मिलने के लिए। ये मिस्टर ब्लैक है कौन? ये कंपनी मिस्टर ब्लैक की ही है, हम सब उन्हीं के लिए काम करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि मिस्टर ब्लैक है कौन। आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं और हम फॉलो करते हैं। तुमने भी नहीं? नहीं, मैंने भी नहीं। मिस्टर ब्लैक को हर चीज़ की खबर रहती है, तो उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर उन्हें कुछ कहना हो तो वो अपने लॉयर के ज़रिए मैसेज भेजते हैं। इस वक्त हम उसी लॉयर के पास जा रहे हैं, रदरफोर्ड। एक रदरफोर्ड ही है जिसके साथ मिस्टर ब्लैक इंटरैक्ट करते हैं, और हम सब रदरफोर्ड के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। मिस्टर ब्लैक के बारे में तुम्हें कई कहानियां सुनने को मिलेंगी, अब उसमें क्या सच है और क्या झूठ, ये तुम्हें तय करना है। तो जिस आदमी के लिए हम दुनिया भर के राज चुराते हैं, वही सबसे बड़ा राज है। कुछ ऐसा ही है। Thank you so much for coming, Kaya and Parry. You're welcome. Is there anything in particular Mr. Black wanted to talk about? Oh, no, nothing like that, really. Just that he was really happy with the Abu Hamza job. He wanted to thank you and see the girl who did it. You mean he can see me right now? Yes, he can. Mr. Black is also very sorry for the way you were treated by Abu Hamza and is very appreciative that you still managed to get the information for us. He wants to thank you with this. Should you accept it? Mr. Black believes a brave act must be rewarded. I'm sure you agree, Miss Kaya? Oh, yes. Yes, I do. Absolutely. I think Pari is going to be our best. The best we've ever had. भर के अपनी बाहों में तुझे मां।
people! Step back! Just shut up! Do you know this man, Pari? Pari? She's not Pari, she's Sonia! I have no idea who he is and what he's talking about. Sonia! Sonia, you can make the whole world for me, but not me! Why are you doing this to me, Sonia? Sonia! Sonia, listen to me! रातें खफा बिन तेरे बेचैन है दिल है बुझा बिन तेरे बिन तेरे तन्हाइयां है बिन तेरे रुखवाइयां है बिन तेरे सरगोशियां है बिन तेरे खामोशियां है बिन तेरे वीरानियां है बिन तेरे दस बजे थेम से पहले क्रूज चलती है मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं वो सोनिया नहीं रही जिससे तुमने कभी प्यार किया था मैं एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ जो इतनी ताकतवर है कि रातों रात गवर्नमेंट भी चेंज कर सकती है उन्होंने मुझसे सौदा किया है वो मुझे जेल से रिहा करेंगे और मैं उनके लिए काम करूँगी तो वो मुझे जहाँ भेजते हैं जिसके पास भेजते हैं मैं उनके पास जाती हूँ तो इस जिंदगी के लिए तुम जेल से भागी थी सोनिया वैसे भी सबके लिए मर चुकी थी ये बात तुम भी जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा होगा प्यार अच्छा बुरा सोच के नहीं होता सोनिया अगर इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो मेरी बात मान लो मेरी जिंदगी अब इन लोगों की जागीर है उनकी मर्जी के बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकती तुम उनके गुलाम हो सकती हो सोनिया लेकिन मैं नहीं मैंने अपने जज्बात किसी के पास गिरवी नहीं रखे हैं तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है मैंने अपनी जिंदगी प्यार के नाम कर दी है और जब तक ये जिंदगी है प्यार तो खत्म नहीं होगा कबीर ये ऐसे लोग हैं जो बदनाम को बेनाम कर देते हैं और फिर उस बेनाम को बदनाम कर देते हैं उन्हें तुम्हें बेनाम करने में कितना वक्त लगेगा मैं अगर बेनाम हो भी गया तो अपने प्यार को बदनाम नहीं होने दूंगा Hi, Miss Perry. Hi, James. There's a package for you and delivered. Hand delivered package? Yes, it came a couple of minutes ago. Hello, Pari. You? ये जो तुम्हारे हाथ में तस्वीरें हैं ना, तुम्हारे morning walk की. You are very lucky कि काया के हाथ लगने से पहले ये मेरे हाथ लग गई लेकिन कैसे कैसे क्यों ये सब मत सोचो सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है अगर काया से पहले ये पिक्चर्स अब तक पहुंच गई है तो किस बात के लिए वक्त कम है काया के लिए जो भी मेल्स या रिपोर्ट्स आते हैं उन्हें एक एनवेलप में डाला जाता है जिस पर एक नंबर होता है और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आर्काइव की जाती है जब भी कोई एनवलप या नंबर मिसिंग होता है तो काया समझ जाती है कि कोई गड़बड़ है और वो इमीडिएटली डुप्लीकेट कॉपी एक्सेस कर लेती है एक घंटा है तुम्हारे पास उसके बाद काया के पास ये पहुंच जाएगा और उसके बाद जानती हो वो क्या करेगी वही हश्र करेगी मेरा जो मानिका के साथ किया मार डालेगी वो मुझे नहीं वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार देगी हेलो हमारे पास वक्त बहुत कम है इसलिए ध्यान से सुनो सोनिया जितना मैं कह रही हूँ उतना करो अपने कपड़े और पैसे लो और घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलो क्योंकि आगे वाली दुकान में सीसीटीवी कैमरास है और तुम्हें उससे बचना है सोनिया सब क्या हो रहा है अपना चेहरा जितना छुपा पाओ उतना बेहतर है सुबह क्लासेस और कहीं भी किसी से कुछ भी हो जाए तुम नहीं मिलोगे घर से निकलने के बाद तुम सीधा ट्यूब स्टेशन जाओगे एंड मीट मी एट किंग्स क्रॉस मैं तुम्हें सिल्वर ऑडी में खुद पिकअप करने आऊंगी और हाँ हमारे पास सिर्फ 35 मिनट्स है
And this was today morning? Yes. You know where this boy stays, Christoph, I assume? Yes, I do. Good. This boy cannot remain alive. No one should know what we do and how we do it. Put him away and do it in a way that Buddy never finds out. I'm sorry, Mum, but it's a little bit late for that. What do you mean? If you'll allow me. What is she doing? You know what she's doing. Someone has warned her. She's probably on her way to one of the many airports already, trying to save her boyfriend. You'll get them, won't you, Christoph? Both of them. Yes, ma'am. हम जा कर रहे। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? है। तो बस ये समझ लो कि मैंने उन लोगों से जो सीखा है उसे इस्तेमाल कर रही हूँ हम दोनों को लंदन से बाहर ले जाने के लिए हम दोनों राइट क्योंकि मैं अकेला कहीं नहीं जा रहा हूँ हाँ मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तुम्हारी जान बचाकर जो गद्दारी मैंने की है उसकी सजा सिर्फ मौत है क्या हुआ ये सब तुम्हारे लिए मजाक है बस ये सोच रहा हूँ कि किस्मत भी कभी कभी कैसा दाव खेलती है एक वक्त था जब हम साउथहॉल छोड़ के भागना चाहते थे आज भाग तो रहे हैं लेकिन कुछ भी वैसा नहीं है जैसे सोचा था कम से कम साथ तो है ये भी काफी है दरवाजा ख्वाब का एक बार खोल फिर जरा है बारिश करम तो फिर से मुझ पे गिर जरा खुद से मिला मुझे दिल में मेरे धड़क जरा फिर से जला मुझे ला में मेरी भड़क जरा जरा सा फिर जरा पता चला परी और उसके फनकार ने एक सिल्वर ऑडी हायर की है लाइसेंस प्लेट है LO17DQ7 आई सी इस वक्त ये कार हेल्फर्ड नाम के गांव के एक छोटे से होटल के बाहर खड़ी है आगे आप संभाल लेना तो जावेद भाई भी इस साजिश में शामिल हैं क्रिस्टोफ देयर इज एन एड्रेस आई नीड यू टू चेक आउट मिलाने लाई थी इसे दिखाना चाहती थी कि हम अपनी गर्ल्स का कितनी अच्छी तरह ध्यान रखते हैं
ये ट्यूलिप्स बहुत खूबसूरत है, कहाँ से मिले तुम्हें ये? मेरी पहचान का एक फ्लोरिस्ट है जो मेरे लिए अरेंज करता है। और तुम्हारे पास उन पे किताबें भी हैं, लगता है तुम्हें ट्यूलिप्स बहुत पसंद है। यस, ट्यूलिप्स, ट्यूलिप्स, दैट्स व्हेयर शी इज गॉन। क्या मतलब? इंसान जब अपने ख्वाबों को सजाना चाहता है तो वहीं जाता है जहां उसके ख्वाब बसते हैं। एंड दैट्स व्हेयर शी इज। व्हाट डू यू मीन? I don't understand. Where did you say she's gone? Holland. That's where she is. लेकिन परी इतनी बेवकूफ नहीं है कि नकली पासपोर्ट लेकर किसी एयरपोर्ट में चली जाए। वो पासपोर्ट का इस्तेमाल एयरपोर्ट के बाहर करेगी। That is why a ferry terminal. ताकि वो यहाँ से जितनी दूर जा सके। Christoph, you should take your men and go to Harwich. I can bet my life. Parry is riding the ferry to Hoek Van Holland. Yes, ma'am. Passengers traveling from Costa Mediterranea are requested to approach Cape 5C for boarding. Passengers traveling from Costa Mediterranea are requested to approach Cape 5C for boarding. Passengers traveling from Costa Mediterranea are requested to approach Cape 5C for boarding. Okay. Hell, they're here. Where? Christoph immigration booth mein hai. Don't react at all. Keep in line and act normal. Up. Let me think. चारों तरफ से घेर लिया गया है। किसी और दिन ट्राई करेंगे, अभी यहां से निकलते हैं। Listen to me carefully. 30 सेकंड बाद यहां बहुत कंफ्यूजन होगा। तुम्हें इमिग्रेशन क्रॉस करके मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। कबीर, यू हैव नॉट बीन ट्रेन्ड एट दिस। आई डोंट केयर, आई एम नॉट लीविंग यू। मेरी बात मानोगे तो हम बचेंगे, वरना हम दोनों खत्म। Thank you.
Drop the gun. Drag her to the facility! अगर तुम्हें लगता है कि ये ट्रीटमेंट हम तुम्हें दे रहे हैं तो तुम गलत सोच रही हो। ये तुम खुद अपने आप के साथ कर रही हो। पर ये सब रुक सकता है। तुम्हें सिर्फ हमें इतना बताना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस वक्त कहाँ है और तुमने उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या बताया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुमने उसे क्या बताया है? He knows nothing. कुछ नहीं जानता वो. Don't involve him, काया. Involve तुमने किया है. हमने नहीं. उससे मिलकर. उसके साथ भागने की कोशिश करके. ये सब तुम्हारा कसूर है. हाँ, मेरा कसूर है. तो मार दे मुझे. लेकिन तुझे कबीर का पता नहीं मिलेगा. अगली बार पूछूंगी तो बोलने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगी. कहाँ है कबीर? You're lucky. Your torture will end because we don't need answers from you anymore. I'd advise you to reflect on what you've done. देखो क्या किया तुमने? अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया तुमने. जानती हो हमारी सुपर एफिशिएंट कॉप जावेद को ये कहां मिला? हॉलैंड के एक छोटे से गांव कोकनहॉफ में. ट्यूलिप्स की फील्ड्स के सामने एक घर खरीदने की कोशिश कर रहा था. ट्यूलिप्स के सपने दिखाने वाली ने ही मार दिया इसे. मेरा बस चलता तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मार देती. बट मिस्टर ब्लैक को लगता है तुम अब भी हमारे काम आ सकती हो. अब क्या काम आ सकती हो ये तो वही जाने. जिंदा हूँ आंखों में तेरी, ओटों पे फरियाद भी हूँ. मैं जिंदगी में हूँ तेरी, मैं मौत के बाद भी हूँ. आऊँ नजरिया रहता तेरे पास हूँ मैं. रख ले मुझे धड़कनों में, तेरा एहसास हूँ मैं. तू जिधर जाएगी मैं उधर जाऊंगा.
जानता था कि काया कुछ ऐसा ही करेगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मिस्टर ब्लैक ने उसे वक्त पर रोक दिया, वरना आज तुम्हारी मौत पक्की थी। मिस्टर ब्लैक के सामने काया कुछ खास बोल नहीं सकती ना। वो कहते हैं ना, बरसते बादल गरजते नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, काया तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में कई साल हो गए, मैंने कई सोनिया को परी बनते देखा है और कई परी को काया बनते देखा है, और तुम्हारे जैसी कई लड़कियों को तबाह होते देखा है। ये लोग जितने मेहरबान हैं उतने ही खतरनाक हैं, और तुमने इन लोगों को चैलेंज किया है, ललकारा है। यूं तो मैं अपने काम से काम रखता हूं, लेकिन तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही, तुम औरों से अलग हो परी। सो यू नो व्हाट, यू डोंट डिजर्व टू डाई। You don't. मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें यहां से बाहर निकलने में मैं मदद कर सकता हूं। इस मकान के नीचे एक 2 मील लंबा टनल है, यूज इट। भाग जाओ परी, यहां से बाहर निकलकर तुम मिस्टर ब्लैक और काया का सामना कैसे करोगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे दर्द के लिए आई हैव दीज पेन किलर्स। इन पेन किलर्स के बगैर तुम्हारा ये टूटा हुआ जिस्म दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माई एडवाइस, टेक द पेन किलर्स बरी। Anything you want? I've got instructions not to let you out this room. I need some water for the medicines. Perhaps you could help me. Sure. She's making a run for it. Shut all the exits down. Yes, ma'am. Harry is trying to make a dash. Yes. What the hell is going on?
गलती कर दी तुमने काया, तुम्हें कबीर की सांसों के साथ मेरी सांसें भी छीन लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब मेरी हर सांस तुम्हारी सांसें छीनना चाहती हैं। गलती तो तुम कर रही हो परी। इंसान को अपनी लंबी परछाई देखकर लगता है कि वो हकीकत से बड़ा हो गया है, ये नहीं जानता कि ढलता हुआ सूरज ही लंबी परछाइयां दिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जानती हूं कि मेरा सूरज डूब चुका है और अब अंधेरे से डर नहीं लगता मुझे। जब मैं कबीर को नहीं बचा पाई तब मेरी समझ में आया कि किसी को बचाने की ट्रेनिंग तो मिली ही नहीं है मुझे, मगर किसी को मारना खूब आता है मुझे। गोलियां तो पहले से इस गन में नहीं थी, सोच लो अगर एक खाली गन ने तुम्हें अपना मौत का सामना करने पर मजबूर कर दिया तो जिस दिन मेरे हाथ में भरी हुई गन होगी उस दिन क्या होगा तुम्हारा। अब इस परी के पर निकल आए हैं, ये परी आसमान में उड़ेगी और जितना कहर वहां छिपा है वो सारा तुम पर बरसाएगी। जिंदगी भी अजीब है, जब प्यार जिंदा था तो कैद में थी और जब कैद से निकल आई तो प्यार ही नहीं रहा। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था, बदला। आई वॉन्टेड रिवेंज, उन्हीं की ट्रेनिंग उन्हीं के खिलाफ यूज करके। काया, मिस्टर ब्लैक और उनका ये पूरा सीक्रेट्स का ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी मैं, सब कुछ। Here's some wine for you, ma'am. It's vintage white. You like it? Oh, wow! Thank you so much. This is very kind. Thank you for such hard work. Will you excuse me for a second? और आप हैं? लीना सिंह, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी फैन? न्यूज़ एंकर्स के फैन नहीं होते? होते हैं, मुझ जैसी लड़कियाँ आप जैसे एंकर्स के लिए तो टीवी देखती हैं। आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ। मुझे खुशी है कि आप इस चैरिटी को सपोर्ट कर रही हैं। इस कॉज के लिए चैरिटी तो करना ही था, पर उससे ज्यादा मैं आपके लिए चैरिटी करने आई हूँ, आपके करियर के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। एक ऐसी खबर देने आई हूँ जिसकी हर जर्नलिस्ट को तलाश होती है। इस होटल के रूम नंबर 503 में आके मिलना, और हाँ, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, तो वहाँ आकर ये चैरिटी का ढोंग मत करना। मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारे करियर से ज़्यादा किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। This is sensational. मैंने कहा था। जर्नलिस्ट हूं इसलिए जानता हूं कि ऐसी खबरें यूं ही किसी रिपोर्टर की झोली में नहीं डाली जाती। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? फोन कहाँ है तुम्हारा? है, क्यों? रिकॉर्ड कर लो, मैं ऑन कैमरा कन्फेशन देने को तैयार हूँ। मतलब? मतलब अपनी खबर पक्की होने का प्रूफ दे सकती हूँ। सो कम ऑन नाउ। मेरा नाम परी है और मैं कैसे शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी जो सीक्रेट्स चुराने और बेचने का बिजनेस करते हैं।
मैंने माइक खान से वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो इस गुमनाम ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करने में काम आएगी। अब ठीक है? Very good. Good. अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी। तुम भी तो मुझे धोखा दे सकते हो इतनी बड़ी खबर बेच के। मुझे भी तो कोई गारंटी चाहिए। मैं क्या कन्फेस करूंगा ऑन मीडिया? अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ये टेप तुम्हारी बीवी तक पहुंचेगी। करियर डिस्ट्रॉय हो ना हो, शादी तो टूट ही जाएगी। मेरा क्या बक रही हो तुम? मेरा कोई नहीं है। अब होगा। Sir, as you've seen, okay, we have it from a strong source that Aeronautics Avionics, an English company, have sold missiles to Abu Hamza at half the price to beat its Russian competitors. Then they sold it to the English government. How can the English taxpayer and government stand for this? We're already trying to get to the bottom of this. The people, whoever involved, will definitely be charged. Tell them I'm not available. Such a betrayal. The British government will take it very seriously. Kaya! Abu Hamza is on his way here. He's demanding a meeting. Now, I strongly recommend that you meet with him. I can't possibly turn away everyone. I can and I will. I'm not meeting anybody today. Do your job well and make them go away. Why the hell are you not answering your phone? It's my bloody choice. I will do as I please and no one can stop me from doing so. Try and explain that to Mr. Black. He wants to see you now. That was a brilliant move, Pari. बहुत खूब। तुमने एक ही झटके में काया को बैकफुट पर डाल दिया। अब उसे पार्लियामेंट और मीडिया दोनों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। You should be proud of yourself. डॉक्टर, आपने जो मुझे दवाई दी है उसे लेने के बाद मुझे बार बार हैलुसिनेशन हो रहा है। I mean, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बार बार कबीर नजर आता है। I'm really sorry. लेकिन तुम्हारे दर्द को जल्दी से कंट्रोल में लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे तुम्हें ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देने ही पड़े। इट हैज ओपियम इन इट, इसीलिए हैलुसिनेशन कम्स एज अ साइड इफेक्ट। यानी एक दर्द से बचने के लिए मुझे दूसरे दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपने आप को जिंदा रखने के लिए कबीर को बार बार मरते हुए देखना पड़ेगा। मैंने कहा था इस लड़की को सर पर मत चढ़ा। अब देख लिया नतीजा, पहले ही मार दिया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। एक मॉल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को घुटनों पर ले आई है। बुरे वक्त में कमजोर लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने पे आ जाते हैं। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में कुछ चैलेंजेस तो आएंगे। इन चैलेंजेस से मैं डील कर सकता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि तुम किस काम की हो। तुम्हारे लिए जितनी भी लड़कियां रिक्रूट की जाती हैं, देव सवेर तुम्हें मार देती हैं। इससे भी तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचता है। हर एक लड़की को एजेंट बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है ये तुम भी जानती हो। ऐसा लग रहा है कि अब तुमसे ये जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही। मिस्टर ब्लैक, मिस परी सेड टू सी यू। रदर प्लीज टेक काया टू द नेक्स्ट रूम एंड मेक श्योर शी स्टेज देयर टिल आई फिनिश माई मीटिंग विद परी। काया, मुझे दे दो और मैं तुम्हारे इस ऑर्गेनाइजेशन को बख्श दूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो काया तक पहुंचने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। नमूने के तौर पे कुछ सीक्रेट्स ऑलरेडी लीक कर दिए हैं मैंने, और अब इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसे तुम संभाल ना पाओ, काया मेरे हवाले कर दो। अभी तो मैं तुमसे इंप्रेस हुआ था और तुमने ये हरकत कर दी। मैरी बैक पड़ी। धमकियां वो देते हैं जो खुद कुछ कर नहीं सकते।
बरसते बादल करशते नहीं। मैं तुमको धमकी देने नहीं आई हूँ मिस्टर ब्लैक, सौदा करने आई हूँ। वैसे भी तुम्हारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज अच्छी नहीं होती, और इस वक्त काया एक लायबिलिटी बन चुकी है। 2 दिन है तुम्हारे पास, ऑफर वैलिड टिल आई चेंज माई माइंड। सुना तुमने, 2 दिन है तुम्हारे पास लायबिलिटी से ऐसे बनने के लिए, वरना मैं परी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा। Please tell me you found out where Pari is hiding. Yes, ma'am. She's at the Tower Bridge Hotel, room 504. Well done, Christoph. Now go get her. I'll be waiting outside the hotel. I need to see her body hanging outside the hotel for the whole world to see. No problem, ma'am. This should be fun. तुम्हारी एक सीख मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तुम्हीं ने सिखाया था ना, इट्स नॉट अबाउट द डॉग इन द फाइट बट द फाइट इन द डॉग। आई हैव शॉट यू विद अ पैरालाइजिंग एजेंट, सो नो पॉइंट ट्राइंग टू मूव। मुझ पर नहीं तो कम से कम अपनी ट्रेनिंग पर तो यकीन कर लेती। तुमने क्या सोचा, इतनी आसानी से मार दोगी मुझे? अगर मैं चाहती ना तो तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाते। बट आई वॉन्टेड यू टू फाइंड मी। जादू देखोगी? ऊपर देखो। देखो बेचारा कैसे जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है। इफ आई कॉल द होटल सिक्योरिटी एंड से देयर समवन इन माय रूम, दे विल रश इन टू हेल्प मी। ओ सॉरी जादू, यस 3, 2, 1। अच्छा लगा, तुम परी के मौत का इंतजार कर रही थी और मारा गया क्रिस्टोफ, एंड नाउ यू आर नेक्स्ट। अब तुम ये कहोगे कि मैं रियल नहीं हूं, राइट? तुम मेरे सब ख्याल जानते हो, क्योंकि तुम वो एक ख्याल हो जो मेरे बाकी ख्यालों के साथ रहता है। मैं जानती हूं तुम यहां नहीं हो, बस खुद को समझा नहीं पाती। तो क्यों खुद से लड़ रही हो?
जो महसूस कर सकती है उसे मान क्यों नहीं लेती? मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। महसूस करो मुझे सोनिया, अगर तुम्हारी आंखें मुझे देख सकती हैं, कान मुझे सुन सकते हैं, तुम्हारा जिस्म मेरे जिस्म को छू सकता है, तो मेरी हकीकत होने में क्या रह गया है? ये मुझसे नहीं हो पाएगा कबीर। मैं रोज तुम्हें जिंदा देखती हूँ और रोज तुम्हें मरा हुआ पाती हूँ। ये दवाइयाँ मुझे जिंदा नहीं बल्कि मार देगी। सूत्रों की माने तो साउथ हॉल निवासी खन्ना परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक बहन को ड्रग रनिंग और हत्या के केस में जेल होती है, वहीं दूसरी ओर ये हादसा। देखिए पूरी रिपोर्ट। I was very scared. वो आधी रात को कुछ लोग गाड़ी से उतरे और उसे बहुत मारा। वो कुछ कह भी रहे थे कि 24 घंटे हैं उनके पास, वरना वो भी अपनी बहन की तरह गायब हो जाएगी। इतना कह के वो लोग चले गए। विक्टिम का नाम प्रीत खन्ना बताया जा रहा है। ये सोनिया खन्ना की बहन है जिसकी मौत प्रिजन में हुई थी। इस वक्त प्रीत खन्ना सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और पुलिस का मानना है कि इन सब के पीछे किसी बड़े संगठन का हाथ है। Excuse me? Yeah. Have you seen this girl? Not really. It's likely she'll be here. If you spot this girl, call me on this number. Make sure. Sure. कौन है वो लोग? मेरी बेटी की उनसे क्या दुश्मनी थी? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है आंटी, पर वो सोनिया के बारे में पूछ रहे थे। शायद वो सोनिया को ही ढूंढ रहे थे और भुगतना प्रीत को पड़ा। डॉक्टर, प्लीज मैम, प्लीज इंजेक्शन प्लीज। Time of death, 1:55 p.m. We tried our best, but we couldn't save your daughter. I'm so sorry. समझ नहीं आता किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। हमसे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा? एक बेटी पहले चली गई थी और एक दूसरी भी। Excuse me. Yes, madam. I need this bill. Okay, madam, just wait here. काया ने इतना तो क्लियर कर दिया था कि इस लड़ाई में कोई भी सेफ नहीं था। पहले कबीर, फिर मेरी बहन और आगे कोई भी हो सकता था। मॉम, डैड, कोई भी। मेरे पास सिर्फ एक ही चांस था, एक ही चाल चलने का मौका, एक ऐसी चाल जो मेरे सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर दे। शोएब, तुम और तुम्हारी फोर्स मुझे ढूंढ रही है। मेरा नाम सोनिया खन्ना है, उर्फ परी।
अगर बड़ा केस सॉल्व करना है तो मुझसे आकर मिलो। बदले में क्या चाहिए तुम्हें? थैंक यू। तो मोहतरमा, आपको यकीन था कि मैं आपसे इसकी कोई कीमत लूंगा। वैसे मैं चाहता तो अरेस्ट कर सकता था। अगर तुम सच में मुझे पकड़ना चाहते तो अपनी पूरी फोर्स को लेकर आते। तुम जानते हो तुम्हारा भाई इस रैकेट में शामिल है। अगर मैं पकड़ी गई तो वो भी एक्सपोज हो जाएगा। अकेले इन्वेस्टिगेशन करने का सिर्फ दो ही मतलब हो सकता है, या तो तुम करप्ट हो या मजबूर। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अगर तुम मजबूर नहीं हो और ये पैकेट जो तुमने मुझे दिया है इसकी कीमत चाहते हो, तो तुम्हें इस रैकेट को एक्सपोज करना होगा। आज रात बांध के रास्ते से टनल तक पहुंचना होगा। टनल? बांध? उस जगह का पता बता रही हूँ जिसे तुम अरसे से ढूंढ रहे हो। और जहां तक मेरा सवाल है, थैंक यू फॉर दिस फोटोग्राफ्स एंड एड्रेस। सॉरी शोएब, आई हेट डूइंग दिस, पर अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयों में छोटे सिपाहियों को मारना पड़ता है। हेलो, इज दैट मेट्रोपॉलिटन पुलिस? आई हैव अ मर्डर टू रिपोर्ट इन अ टाउन हाउस आउटसाइड लंदन। जानती थी परी घुटनों के बल चलकर आएगी अपनी एक बची हुई बहन की जान बचाने, राइट? वी हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव टू कम विद मी। लुक, व्हाट द हेल? उसी ने किया ये सब। दैट ब्लडी परी ने किया है ये सब। एक ही झटके में सारे बिजनेस का पर्दाफाश कर दिया। What? लेकिन कैसे? वो जानती थी कि ये इंस्पेक्टर जावेद का भाई है, इसीलिए यहाँ पर आकर मारा है उसे। And I'm sure मार के पुलिस को इन्फॉर्म किया है, और अब उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच रही होगी। तो हम इस लाश को यहाँ से ले जाकर कहीं और भी छुपा सकते हैं। इट्स टू लेट, इट्स टू ब्लडी लेट। Damn it. Shit has hit the roof. तुमने काया, मेरे भाई को नहीं मारना चाहिए था। कार काया, सॉरी सर, इट्स अ क्राइम सीन, यू कांट गो थ्रू। वी हैव इंफॉर्मेशन दैट अ कॉप इज मिसिंग। आई एम गोइंग टू लीड विद दिस स्टोरी एनीवे। यू कैन कीप मी इन और आउट। We have the press over here. A policeman's dead body was found in a barn on the outskirts of London this morning.
barn has a tunnel that leads to a facility where the girls are being trained in secret to become espionage agents. Miss Kaya is here to see Mr. Black, sir. Tell her Mr. Black isn't seeing anyone. He has other problems to take care of. That has all. I need to speak to Mr. Black right now. She's turned the police against us by killing Javed's brother. Javed is out for revenge. The media's creating a circus. We are... I have no idea what you're talking about. I think you should leave. What? You don't know who I am. You... If I go down, I'm going to take you down with me. I'm going to have to call the police if you don't leave immediately, miss. जब गुस्सा बढ़ जाता है तो सोचने की ताकत कम हो जाती है। क्या मतलब? तुमने कभी ये सोचा है काया कि परी की इतनी बड़ी गलती के बावजूद मिस्टर ब्लैक ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मिस्टर ब्लैक परी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टर ब्लैक का हथियार है परी। खुद तो कुछ कर नहीं सकता, पर्दे के पीछे रहता है, इसलिए तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इफ यू वॉन्ट टू गेट मिस्टर ब्लैक, यू हैव टू गेट रिड ऑफ परी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर ब्लैक ने तुम्हें भेजा हो मुझे कंफ्यूज करने, उन पर से निशाना हटाकर परी पर लगाने। हो सकता है, लेकिन है नहीं। जैसा मैंने तुमसे कहा काया, तुम क्लियरली सोच नहीं रही। और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यूं समझ लो कि मिस्टर ब्लैक को मारना मेरे लिए भी जरूरी है, और अगर इसके लिए परी को मरना पड़े तो मरना चाहिए। आई सी। आई एम ग्लैड यू टू। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस वक्त परी कहां है। तुमने मुझे इस मोड़ पर खड़ा ना किया होता। मैंने ही तुम्हें परी बनाकर एक नई जिंदगी दी, और अब मुझे ही तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीननी पड़ेगी। यही बात तो तुम नहीं समझी काया। परी जिंदगी देकर नहीं बनती, परी मौत के बाद बनती है, और जो मर चुकी हो उसे दोबारा मारना मुमकिन नहीं। कितने भी बड़े हो, मां मां होती है। क्या किया तुमने परी? और इसे कैसे पता चला कि तुम यहां हो? पता बताने वाले बहुत हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि मैं अपना पता खुद बताना चाहती थी। कुछ लोग छिपकर वार करते हैं और कुछ लोग खुलेआम।
काया की जगह लेना चाहती हो तुम? मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहती, बस उन्हें उनकी जगह से हटाना चाहती हूँ। और अब बारी है मेरे और तुम्हारे दुश्मन की, मिस्टर ब्लैक की। पारी, मिस्टर ब्लैक को मारना आसान नहीं है। मारना तो क्या, उस तक पहुंचना भी आसान नहीं है। यहां तक पहुंच गई हूं डॉक्टर साहब, अब या तो जिस किस्मत ने मेरा साथ दिया है वो साथ देगी, या मैं चली जाऊंगी अपने कबीर के पास। Can't believe this. Are you sure Kaya is dead? Yes. I saw it with my own eyes. Pari is more dangerous than we thought she is. And now she is coming for Mr. Black. You must protect him at any cost. The doctor has informed me that Pari has gone rogue. She has killed Kaya and is now after Mr. Black. You need to keep Mr. Black safe. We will make sure Mr. Black is protected at any cost. Man all the doors. Keep an eye on all the CCTV. Check in every few minutes on the radio. Do everything necessary. Oh my God. मैंने कहा था तुम्हें कि काया ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। लो देख लो। और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? एक अकेली लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? परी भले ही अकेली है, लेकिन वो सबसे खतरनाक भी है। 100 के बराबर 1 है वो। और अगर आप मेरी बात मानोगे तो उसे पकड़ पाओगे। क्या मतलब? काया के बाद वो मिस्टर ब्लैक को मारने की कोशिश करेगी। जहां मिस्टर ब्लैक है वही परी है। Mr. Rutherford, won't you take me to Mr. Black now? कहते थे कि मिस्टर ब्लैक को किसी ने नहीं देखा, उसे कोई नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत पहले ही पहचान लिया था, तुम्हारी साजिश को भी जान लिया था। तुमने बस एक गलती कर दी थी। बरसते बादल गरजते नहीं। तुमने दोनों ही बार मुहावरा गलत बोला। गरजने वाले बादल बरसते नहीं को बरसने वाले बादल गरजते नहीं बना दिया।
अब ऐसी गलती दो अलग अलग इंसान तो कर नहीं सकते। मैं समझ गई थी कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो काया को उसकी जगह से हटाने के लिए। काया तुम्हारे बिजनेस का हर एक राज जानती थी, तुम्हारे लिए खतरा बन गई थी। तुम्ही ने काया को फोटोज भेजे थे क्योंकि तुम जानते थे कि वो कबीर को मार देगी और मैं उसे। तुम जानती हो परे, तुम्हें इस तरह इस वक्त देखकर मुझे अपने आप पर फक्र हो रहा है। आई न्यू आई वॉज राइट, मैं जानता था यू वुड बी द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी और जिस तरह तुमने कबीर की जान ली थी उसी तरह मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। तो मरने के लिए तैयार हो डॉक्टर साहब? मैं तो सालों से मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यू सी राइट ऑन टाइम, मैं तुम्हारे पीछे देखो, पुलिस आ चुकी है। अब अगर तुम मुझे मारोगी तो खुद भी नहीं बचोगी। मैं मरने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मारना कौन चाहता है? तुम्हें तो जेल भेजा जाएगा। मैं जानता हूं तुम मरने से नहीं डरती, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम जेल की चारों दीवारों के बीच बंद होने से डरती हो। मरने से नहीं डरती, लेकिन जीते जी मरने से डरती हो। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो इस दरवाजे से चुपचाप यहां से चली जाओ और या फिर मुझे मारकर जेल चली जाओ। चॉइस इज योर्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन परी, पुलिस आ रही है, जल्दी करो। कम ऑन परी, सोच क्या रही है, भागोगी या पकड़ी जाओगी? रदरफोर्ड, आई थिंक यू शुड ओपन द डोर एंड लेट द पुलिस कम इन। नाइस मूव नहीं, हेल्पलेस मूव। हेलो, डू यू वॉन्ट टू गो बैक टू जेल और डू यू वॉन्ट टू बी द न्यू मिस्टर ब्लैक? सो चेकमेट। Quickly now. We don't have much time. Quickly! Please, don't move! This is the man who killed everyone. Kaya, your brother Shohib. And if it wasn't for this brave young woman, I would be dead too. मिस्टर रदरफोर्ड, और शुड आई से द न्यू मिस्टर ब्लैक? द डील बिटवीन यू एंड मी वॉज आई हेल्प यू बिकम मिस्टर ब्लैक एंड यू नेवर गेट इन टच विथ मी और सी मी एवर अगेन। आई नो दैट हैरी, आई रिमेम्बर, बट देयर इज समथिंग फॉर व्हिच आई हैड टू सी यू, ओनली यू कैन डू दिस। व्हाट इज इट? दिस इज फिडेल अलोंसो, अ स्पैनिश मिलियनेयर। I don't care who this is. I'm out of this game. I know that, Parry, but please, just listen. It's not what you think. तुमने सोचा तुम इन सब से निकल जाओगी, दूर चली जाओगी, लेकिन ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें फातिमा अल रियादी की हैं। अरब लड़की है, हमारी तरह इन दोनों को भी प्यार हो गया। हमारी तरह इन दोनों ने भी साथ रहने के सपने देखे और फिर हमारी तरह इन दोनों को अलग कर दिया गया। उसके देश में लड़कियों को प्यार करने की इजाजत नहीं है। उसे वापस लेकर फिडेल जानता है
कि अगर उसकी फातिमा कोई वापस लेकर आ सकता है तो तुम द बेस्ट इन द बिजनेस. प्लीज हैरी, यू कैन डू दिस, ओनली यू कैन डू दिस. दिस इज़न्ट फॉर मनी, दिस इज़ फॉर लव. उस दिन मुझे एक सच्चाई समझ आई, जब मैं एक कैद से छूटी तो दूसरे में बंद हो गई. बस जब तक हम जिंदा हैं, किसी ना किसी कैद में बंद रहेंगे. जब तक ये रूह इस जिस्म में बंद है, तब तक कोई ना कोई कैद में हम बंद हैं. आजादी तो मौत देती है, तो अगर कैद में ही जीना है तो नफरत से ज्यादा प्यार की कैद में रहना है मुझे. तू जिधर जाएगी मैं उधर. I'm not afraid.